ठीक है सर, शुरू करें सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम लोग आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे महाविद्यालय के संस्थापक, जिन्हें कोसी के मौलवीय के नाम से जाना जाता है, श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, आज उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, जो कि हमारा पड़ोस का महाविद्यालय है और जिसकी स्थापना भी हमारे ही संस्थापक कीर्ति बाबू ने किया था। और आप सभी जानते होंगे कि ठाकुर प्रसाद जी कीर्ति बाबू के पिताजी हुए और पार्वती देवी उनकी माता जी हुई। तो उन्होंने, कीर्ति बाबू ने अपने पिताजी के नाम पर ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय और अपनी माता जी के नाम पर पार्वती विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा ये सौभाग्य है कि पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में लंबे समय तक कार्य करने वाले, लगभग हमको लगता है कि 40-42 वर्षों तक उन्होंने लगभग सेवा दी है। और हमारे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षण क्षेत्र का जो सर्वोच्च पद होता है संकाय अध्यक्ष का, तो हमारे ह्यूमनिटीज संकाय, मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष भी रहे हैं। और सबसे बड़ा परिचय यह है इनका कि दर्जनों पुस्तकों के रचनाकार हैं और उसमें से दो पुस्तकें इन्होंने हमारे कीर्ति बाबू पर केंद्र करके लिखी हैं, एक तो दधीची की हड्डी और दूसरा कोसी पुत्र। तो प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी के बारे में मैं बोल रहा था। सबसे पहले आप लोग सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों सहयोगी सर मौजूद हैं और आप सभी विद्यार्थीगण, मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि कार्यक्रम में बहुत विलंब हो गया है, तो बिना किसी औपचारिकता के मैं सबसे पहले अपने अतिथि से और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से, अब आए दोनों शिक्षक साथी से, सबों से अनुरोध करेंगे कि कृपया सब चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है सर, शुरू करें सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम लोग आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे महाविद्यालय के संस्थापक, जिन्हें कोसी के मौलवीय के नाम से जाना जाता है, श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, आज उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, जो कि हमारा पड़ोस का महाविद्यालय है और जिसकी स्थापना भी हमारे ही संस्थापक कीर्ति बाबू ने किया था। और आप सभी जानते होंगे कि ठाकुर प्रसाद जी कीर्ति बाबू के पिताजी हुए और पार्वती देवी उनकी माता जी हुई। तो उन्होंने, कीर्ति बाबू ने अपने पिताजी के नाम पर ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय और अपनी माता जी के नाम पर पार्वती विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा ये सौभाग्य है कि पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में लंबे समय तक कार्य करने वाले, लगभग हमको लगता है कि 40-42 वर्षों तक उन्होंने लगभग सेवा दी है। और हमारे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षण क्षेत्र का जो सर्वोच्च पद होता है संकाय अध्यक्ष का, तो हमारे ह्यूमनिटीज संकाय, मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष भी रहे हैं। और सबसे बड़ा परिचय यह है इनका कि दर्जनों पुस्तकों के रचनाकार हैं और उसमें से दो पुस्तकें इन्होंने हमारे कीर्ति बाबू पर केंद्र करके लिखी हैं, एक तो
दधीची की हड्डी और दूसरा कोसी पुत्र। तो प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी के बारे में मैं बोल रहा था। सबसे पहले आप लोग सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों सहयोगी सर मौजूद हैं और आप सभी विद्यार्थीगण, मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि कार्यक्रम में बहुत विलंब हो गया है तो बिना किसी औपचारिकता के मैं सबसे पहले अपने अतिथि से और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से, हमारे दोनों शिक्षक साथी से, सबों से अनुरोध करेंगे कि कृपया सब चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे सर। रोहित नहीं आ रहा है बस। बारी बारी से सुनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम का जो प्रारंभ हो, क्योंकि अभी भी हम लोग कीर्ति बाबू के बारे में बहुत कम जानते हैं, जितना उनका योगदान है उस हिसाब से ना तो उनके बारे में प्रचार प्रसार किया गया और ना तो हमारी युवा पीढ़ी उनके बारे में उतना जान रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं विस्तार से इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं आज के अपने मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले आप ही आए और विस्तार से अपनी बात रखें, फिर हमारे सभी साथी उस पर थोड़ा थोड़ा अपना एक दो मिनट में बात रखें। तो सर का कृपया तालियों से स्वागत। कॉलेज के इस स्मार्ट रूम में बैठे तमाम स्मार्ट छात्र छात्राओं और मंचासीन टीपी कॉलेज के सौम्य प्रधानाचार्य, हमारे मित्र प्रोफेसर कैलाश बाबू, आयोजक सुधांशु शेखर जी, अन्य शिक्षक एवं छात्र, आज जो हम इस भव्य कक्ष में बैठे हुए हैं, यह एक दिन में नहीं बना। अंग्रेजी में भी कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। यह महाविद्यालय 1953 में स्थापित हुआ और जैसे तैसे कच्चे महावीर बाबू भी इसके प्रिंसिपल रहे और उनका एक उद्गार था कि जब भवन कच्चा था तो विद्यार्थी पक्का निकल रहा था और भवन जब पक्का हो गया तो विद्यार्थी कच्चा हो गया। मैं ऐसा तोहमत नहीं लगाना चाहता, आप सभी विचार से भी और अपनी प्रतिभा से भी सजग सचेत प्रबुद्ध हैं और यह कितना सुखद आश्चर्य है कि आप जितनी डिग्री ले चुके हैं, इस कॉलेज के संस्थापक आपसे बहुत कमतर डिग्रीधारी थे और उस कमतर डिग्रीधारी का नाम
कीर्ति नारायण मंडल। कीर्ति नारायण मंडल मात्र 8वीं-9वीं कक्षा तक पढ़ सके थे और उनका जन्म मनाहरा सुखासन में हुआ। उनकी जमीन और बाद का निवास तिलकोरा हो गया, जहाँ इस कॉलेज की जमीन भी अभी है। उनकी शादी चतरा के हंसी मंडल की सुपुत्री पार्वती देवी से हुआ और चतरा के प्रोफेसर बैठे हुए भी हैं। कीर्ति बाबू की नतनी से शादी कैलाश बाबू की, जो प्रिंसिपल साहब हैं, हुई है। यह कुछ स्थूल जानकारी, मोटा मोटी सतही बातें हैं। कीर्ति बाबू की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। बहुत विवाद की जरूरत नहीं है कि वे 18 मार्च को पैदा हुए थे या 7 अगस्त। इस पर एकमत होना अभी भी संभव नहीं है, अनुमानास्कृत। अब है कि कीर्ति बाबू का जन्म जो हुआ, हम आपकी तरह ही वे एक साधारण मनुष्य थे। जन्मना कोई ऐसी विलक्षणता नहीं थी उनमें कि वे इस कॉलेज को की स्थापना करेंगे, पार्वती कॉलेज की स्थापना करेंगे। और बृहत्तर कोसी अंचल में उन्होंने 3 दर्जन शिक्षण संस्थानों को जन्म दिया, 3 दर्जन, जिसमें अधिकांशतः कॉलेज हैं। तो कीर्ति नारायण मंडल को हम याद इसलिए करते हैं कि हम आप में भी, बल्कि हर मनुष्य में एक महत्वाकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है कि हम मरणोपरांत भी जिंदा रहें। यही है जिज्ञासा। और जिंदा हम कैसे रहें? जब हमारी देह यात्रा समाप्त हो जाएगी, तब यश यात्रा, यश यानी हमारा कर्म क्या है, उसको समाज याद करें। और इसी अचेतन की आकांक्षा के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी कह सकते हैं कि अल्प शिक्षित रहकर उन्होंने उच्च शिक्षा के इतने संस्थान खोले, तो यह भी एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के तहत कि जो हम नहीं अर्जित कर पाए, आने वाली पीढ़ी वह अर्जित करे। कीर्ति नारायण मंडल 1916 ईस्वी में पैदा हुए। देश गुलाम था और जब स्वतंत्रता का आंदोलन आगे बढ़ा और जब देश 47 ईस्वी में आज़ाद हुआ, तो पिछड़े समाज के लोगों ने, समाजवादियों ने एक पार्टी की स्थापना की और उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करके समाज में, बल्कि जन प्रतिनिधि बने, उम्मीदवार भी खड़े किए और 52 के चुनाव में समाजवादियों की बड़ी हार हुई, कोई जीत नहीं पाए। और जब
विचार मंथन किया तो माना गया कि इसके थे का मुख्य कारण अशिक्षा। उस अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के समाजवादियों ने कॉलेज की स्थापना की। एक इधर बांका में, एक खगड़िया में और तीसरा 1953 से पहले 52 ईस्वी में MLT कॉलेज की स्थापना सहरसा में हो चुकी थी और 53 ईस्वी में यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, जिसमें रघुनंदन बाबू, कमलेश्वरी बाबू चतरा जिनके नाम से KT कॉलेज है, उच्च शिक्षा प्राप्त ये सब लोग थे, इन लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की और विचार विमर्श होने लगा और सारे विचारों का निचोड़ हुआ कि एक कॉलेज हो मधेपुरा में। लेकिन सारी योजना रुक गई कि इसको फंड कहाँ से हो, इसको जमीन कहाँ हो से हो, धरातल कहाँ से मिले। और वैसे ही समय में जब समर्थवान लोग, इन कर्तव्य विमूढ़ थे, कीर्ति नारायण मंडल ने अपनी घोषणा की पिता के विरुद्ध जाकर कि हम 52 बीघे जमीन देंगे और हम इसको खोलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है जिसका भाव है कि डूबते हुए सूरज ने कहा, अस्ताचलगामी सूरज ने कहा कि मेरे बाद इस जगत को कौन उजाला प्रदान करेगा। सारे नक्षत्र ग्रह चुप थे, एक छोटा सा किमकिमाता हुआ दिया आगे खड़ा हो गया कि यह गुरुतर भार मेरे दुर्बल कंधे पर। तो कहा जाए कीर्ति नारायण मंडल यहाँ MABS पास संविधान सभा के सदस्य और राजनीति के धुरंधर स्थानीय सभी अटक गए थे कि होगा तो कैसे होगा। वैसे ही काल में कीर्ति बाबू ने अपने पिता ठाकुर बाबू के सामने अनशन किया कि आपको जमीन देनी है, नहीं तो हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रसंग में आपको DS कॉलेज कटिहार की भी बात हम प्रसंगवश कहना चाहेंगे कि वहाँ भी बड़े बड़े लोग जब बैठे हुए थे बैठक में और एक आदमी जैसा तैसा कपड़ा पहने हुए, वह भी जिज्ञासु हुआ कि किस बात की मीटिंग है, हम भी थोड़ा जाके देखेंगे। तो कई लोगों ने दुत्कार दिया कि तुम क्या करते हो वहाँ जाके, वहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो रही है, कॉलेज खोलने की बात तुम क्या करते हो। अब वहाँ भी ऐसी ही बात हुई कि जब जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था तो दर्शन शाह ने कहा कि हम जमीन देंगे, हम पैसा देंगे। तो एकाएक जो यह बात हुई 53 में जो कॉलेज खुला, इस कॉलेज के पीछे जैसे कि 1916 में ही जो जन्म लिए थे और पूरा परिवार सात्विक और गीत रागी था, जमींदारी व्यवस्था के लायक संपत्ति होने के बावजूद तो अल्प शिक्षित रह गए कीर्ति बाबू। कीर्ति बाबू पारिवारिक जीवन भी जीना नहीं चाह रहे थे,
अनिच्छा पूर्वक उनकी शादी करा दी गई और वे पत्नी को भी छोड़कर घर से भाग गए। वे अयोध्या चले गए, वे बनारस भटके और विभिन्न धार्मिक स्थलों में भटकते हुए यह आत्मज्ञान हुआ उन्हें कि जीवन जो है, राहुल सांख्यायन की एक किताब ही है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो पलायन जीवन का काम नहीं हो सकता है। उन्होंने संघर्ष के रास्ते को अपनाया। उस समय जब बिहार के प्रथम विधि मंत्री यहाँ के ही सुनंदन प्रसाद मंडल थे, उनके पास भी गए कि हमको कोई नौकरी दिला दीजिए। तो उन्होंने भी प्रेरणा दी कि नौकरी तुम क्या करोगे, मधेपुरा में कॉलेज खोलने की योजना बन रही है, तुम उसमें योगदान करो और तुम दूसरे को ही नौकरी दो। तो 1953 में विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ यह कॉलेज खुला और यह कॉलेज उस समय 62 में भागलपुर विश्वविद्यालय था, उसका अग्रणी कॉलेज 72 तक रहा। फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी अच्छे उत्पादन, अच्छे रिजल्ट, अच्छी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा के कारण इस कॉलेज का विशेष मान रहा। और जब यह विश्वविद्यालय बना, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तो इस विश्वविद्यालय का यह पायोनियर अग्रणी कॉलेज हुआ, पीपी कॉलेज। और विश्वविद्यालय इसी कॉलेज की कोख से जन्म। इस मधेपुरा में चाहे महावीर बाबू हों, रवि बाबू हों और भी जितने जितने राजनीति के क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त कर सके, सबके लिए एक महत्वपूर्ण, एक अनिवार्य सीढ़ी का काम किया इस पीपी कॉलेज ने। सारे लोग, अगर यह कॉलेज नहीं खुलता तो यह सारे लोग उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकते। तो कीर्ति बाबू ने यह समझा और हम आप भी समझते हैं कि समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूलाधार है शिक्षा। शिक्षा के महत्व को हम समझेंगे, शिक्षा अर्जन के प्रति हम दत्तचित्त होंगे, लगनशील होंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और जीवन की सारी सिद्धियां, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में इसके ही गर्भ से निकला पार्वती साइंस कॉलेज, जो 78 में खुला, 1981 में कृति में 14 जनों की स्थापना की एक वर्ष, और विश्वविद्यालय स्थापित उनकी योजना। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय की भी थी, जो योजना कुछ उनके जीवन काल में भी और कुछ उनके बाद भी पूरी हुई। उन्होंने, पहली बात है कि उनको हम इसलिए याद करते हैं, उनको इसलिए याद करना चाहिए, जयंती इसलिए मनाते हैं कि उसके बहाने हम अपने आप को ऊर्जावान बना सकें, अपनी मंजिल तय कर सकें। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम आ जाए। तो
वह जो है अतीत की याद, पुरखों की याद हमें प्रेरणा देती है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है। यह कोसी अंचल जो कोसी नदी के कारण, बाढ़ विभीषिका के कारण यह अभिशप्त भूमि रही, जहाँ शिक्षा और संचार और यातायात की दुर्गमता रही, उस बृहत्तर कोसी अंचल को शिक्षा के मूल मंत्र से सींचने का काम कीर्ति नारायण मंडल ने किया, और एक तरह से वे कोसी अंचल के दधीची, मेरा एक नाटक है इन पर लिखा हुआ, दधीची की हड्डी, जैसे दधीची ने देवताओं के हित में, जब देव और दानव की लड़ाई हो रही थी, दानव जीतते जाते थे, तो कहा गया कि अगर दधीची अपनी हड्डी दे दे, उससे धनुष बने, तो विजयी हो सकता है। दधीची ने कहा कि ठीक एव मस्तु, मैं समाज के हित में इतना त्याग करूंगा। और एक गाय आई और उनको नमक शरीर पर छिड़कता गया, गाय चाटती गई केवल हड्डी, और उस हड्डी से जो धनुष बना उससे देवता विजयी हुए। तो कीर्ति नारायण मंडल को दधीची कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। हम आप अपने घर का काम करने से भी कतराते हैं, कीर्ति नारायण मंडल ऐसे, एक तो पिछली बार भी कैलाश बाबू ने कहा था कि अच्छा खाना, अच्छा रहना सबको पसंद आता है, वे भी अच्छा पहनते थे, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े का त्याग किया। आपको सुखद आश्चर्य, आप लोगों ने देखा नहीं, उनके साथ वर्षों गुजारने का मौका मिला मुझे, एक ही धोती उसी को पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे, चाहे वह जाड़े का मौसम हो तब भी। तो इसीलिए हमने एक जगह लिखा, उन पर लिखे हुए काव्य में, कि गांधी सा अधनंगा, गौतम सा गृह त्यागी, बीवी बच्चे को छोड़कर वो आ गए थे यहाँ। गांधी सा अधनंगा, गौतम सा गृह त्यागी, आचार्य विनोबा सा सात्विक जीवन तेरा, तुम मोहन मदन मालवीय के हो अपर रूप, दृढ़ता में हिमगिरिसा विश्वास अचल तेरा। तो ऐसे थे कीर्ति नारायण मंडल। 78 में पार्वती साइंस कॉलेज, एक तो यह कॉलेज ही जब खुल रहा था तो लोग उस समय कह रहे थे कि सहरसा में खुल गया, अब यहाँ क्या ज़रूरत है, अब यहाँ खुल गया तो फिर पार्वती कॉलेज खोलने के क्रम में कहा कि अब सटा सटा दोनों कॉलेज। 78 में वह कॉलेज खुला था, मैं 81 में वहाँ ज्वाइन किया, और उनके सानिध्य में रहकर सांस्कृतिक आयोजन वगैरह का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 82 सब ईस्वी में 3,250 विद्यार्थी हो गए थे इंटर में, और लाउड स्पीकर से कमरा नंबर बताया जाता था घोषित करके कि फलां छात्र कक्ष उसमें चले जाऊँ, और इतनी भीड़ होती थी कि हम लोग जब क्लास से में जाते थे तो खिड़की सब पर भी लड़के रहते थे मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और निकलना भी, क्योंकि छात्र निकल भी रहा है घुस भी रहा है, तो सुरक्षित निकलना भी एक साहसिक होता था। तो यह लोकप्रियता पार्वती साइंस कॉलेज की रही, और इससे जाहिर है कि इस क्षेत्र में ज्ञान की पिपासा इतनी बढ़ी। और फिर कीर्ति नारायण मंडल ने संपूर्ण मन जाति और अन्य संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रतिभावानों को जगह दी। इस उसकी पढ़ाई इतनी बेहतरीन रही कि छात्रों की भीड़ हो गई, एकदम पिपासु छात्र उसमें नामांकन के लिए मारामारी करते थे, और 5-7 साल में वह सरकारी हो गया।
104 टीचर और 92 नन टीचिंग उसमें हम लोग हुए और ढेर सा बेहतर उत्पादन उसी में कैलाश बाबू भी थे, हम भी थे और इस तरह से असंख्य। कीर्ति बाबू ऐसा नहीं थे कि कॉलेज खोलना भर उनका, बड़े लोगों का बड़प्पन जो है छोटी छोटी बातों में भी होती है। वे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, प्रेम करते थे, जेब में लेमन चूस चॉकलेट रखते थे, हम लोगों को भी कभी कभी खाने के लिए दे देते थे। और यह कि जो गरीब बच्चा पढ़ने के लिए यहीं इसी जिला के एक जुगल किशोर बाबू फिजिक्स के प्रोफेसर वहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में हुए, उनको खर्च देकर पढ़ाया और दर्जनों ऐसे लोग किसी भी जाति के हों जिसमें पढ़ने की ललक होती थी, साधनहीन होते थे, किसी का अच्छा रिजल्ट हो गया तो उसको 100-200 रुपया देकर प्रोत्साहित, नहीं नहीं तुम मन लगा के पढ़ो। तो ऐसी ललक थी शिक्षा। कॉलेज खोलना, मेरा एक नाटक है कॉलेज उद्योग भी, तो कॉलेज खोलना आजकल एक उद्योग का रूप ले चुका है, व्यावसायिक मानसिकता के कारण लोग कमाई का जरिया भी बना लिए हैं, लेकिन कीर्ति बाबू के लिए वह एक मिशन, एक समाज सेवा का माध्यम था, अपनी अल्प शिक्षा की क्षतिपूर्ति करके और असंख्य नौनिहालों को उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम कीर्ति नारायण मंडल ने किया। जब कॉलेज सरकारी हो गया, जब सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी और सरकार की हो गई, तब भी कॉलेज का शौचालय अपने हाथ से मलमल कर साफ करते थे, खपड़ा अपने से छाड़ते थे और जब पार्वती साइंस छोड़कर चले गए उधर संत अवध बिहारी कॉलेज, तो हमने लिखा था कि रच कर कोई संसार सजा कर फुलवारी, फिर छोड़ उसे तुम चल देते ऊसर वन में, ऊसर में ही फिर फूल खिलाने लगते तुम, वन प्रांतर में जीवन की हरियाली सजती, जिस ओर साधना का रथ बढ़ जाता तेरा, उस ओर सृजन की नित्य नई गंगा जगती। दो कॉलेज एक जगह वहाँ भी उन्होंने खोला और वहाँ वे अपने से मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, बनाए हुए थे और बर्तन में अपने से धान उसनते थे और हम लोग जाते थे तो अपने से चाय बना कर देते थे। उन्होंने हमको बहाल किया, यह गुरूर नहीं था कि हमारे द्वारा यह नियुक्त है, उनमें यह सम्मान यह आदर था कि यह उच्च शिक्षित है और इसने बहुत कुछ छात्रों के हित में काम किया है, समाज सेवा के रूप में कर रहे। तो जो आदमी गांधी सा, अधनंगा गौतम सा, गृह त्यागी हो सकता है, जो रचकर कोई संसार सजा कर फुलवारी, फिर छोड़ उसे तुम चल जाते उसल उसर वन में, तो ऐसे महापुरुष को याद किया ही जाना चाहिए। उनकी जो देन है उसके हम ही नहीं, आप सब ऋणी हैं। और कीर्ति नारायण मंडल, वे नौवीं तक पढ़े थे लेकिन साइंस के टीचर की, प्रोफेसर की भी बहाली अपने से इंटरव्यू लेके करते थे, सबको पर नज़र रखते थे। एक मिनी विश्वविद्यालय था उनके एक बड़े ट्रंक में, 14-16 कॉलेज का संपूर्ण फाइल और सबकी बहाली का, और बड़ा ही उदारतापूर्वक उन्होंने सब कुछ किया। कीर्ति नारायण मंडल पर मेरी चार पंक्तियां हैं, जो उनकी प्रतिमा वहां बनी हुई है उसमें चार पंक्ति हमारी उद्धृत है कि इसमें नहीं होगा है? है? जिसने है अर्पित कर दी जनहित में बोटी बोटी, अपने भतीजे से भी
केस लड़े, एक बेटा फेल कर गया, आत्महत्या कर ली। कई बार हमने कहा कि पोते सबको भी कॉलेज में ज्वाइन कराइए, तो कहा नहीं नहीं ये सब खा जाएगा। उनकी बेटी की बहाली हुई जो पार्वती में, तो एक चपरासी के प्रयास और डोनेशन के माध्यम से। तो ऐसे उस समदर्शी पक्षपात रहित परिवारवाद से मुक्त इतना उठे कि हम लोग आश्चर्य से अभिभूत हो जाते थे। तो मेरी पंक्ति है कि जिसने जिसने है अर्पित कर दी जनहित में बोटी बोटी, रखी नहीं बचाकर भी अपने भविष्य की रोटी, उसका ही युग युग तक गाएगा भविष्य जय गाथा, समय शिखर पर उनकी ही फहरेगी कीर्ति पताका। आज कीर्ति पताका फहर रही है और हम आप फहरा रहे हैं। और कीर्ति बाबू के प्रसंग में एक जगह चार पंक्ति है मेरी कि आदमी आदमी वक्त का सिकंदर है, आदमी शक्ति का समंदर है, कोई खुद को तो खोज कर देखे कितना कुछ आदमी के अंदर है। यानी ऐसा नहीं है कि कीर्ति बाबू ऐसे थे कि उनमें सारी विशेषता जन्मजात थी, जन्मना वे सामान्य थे, कर्म से ऊंचाई को प्राप्त हुए और वह ऊंचाई किसी न किसी क्षेत्र में हम आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई अपने को पहचान कर तो देखे, कोई खुद को तो खोज कर देखे कितना कुछ आदमी के अंदर है। कौन सोचा होगा कि यह कॉलेज हो जाएगा तो फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर इतने इतने कॉलेजों को खोल देंगे। एक ऐसा आदमी जो रिक्शे से चलते थे, पैदल घूमते थे, जो चाय बनाकर, इतना उनकी साधारणता में ही उनकी सारी विशेषताएं निहित थी। और उनका जो लक्ष्य था, जो संकल्प था, उस पर चलते रहे, चलते रहे और चलते रहे, तो समय ने भी साथ दिया और सब उन्होंने। और हम यह भी कहेंगे कि जब पार्वती कॉलेज में तीन तीन विधायक एक साथ सरकार के में चुने गए, सांसद की पत्नी पार्वती कॉलेज में, सभी क्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र के अग्रणी लोग रहे और 7-8 प्रोफेसर ने स्वयं कॉलेज की स्थापना की, तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा कहीं, रक्त बीज था जिसको जैसे ही काटता था तो वह हर बूंद से एक पैदा हो जाता था। तो यह तो नकारात्मक अर्थों में हुआ, सकारात्मक अर्थों में पार्वती कॉलेज अन्य कॉलेजों में भी उनके रक्त बीज समाज सेवा के लिए अग्रसर हुए और ढेर सारे शिक्षण संस्थानों को जन्म देकर उनके अधूरे अपूर्ण सपनों को पूरा करने में योगदान दिया। तो समय अधिक हो चुका है, आप उबे थके और घर की ओर वापसी के लिए भी चिंतित हैं, बेचैन हैं, और मेरी कीर्ति बाबू पर मेरी इतनी अपार श्रद्धा रही और उनको भी हमसे इतना लगाव हो रहा कि 1997 में 7 मार्च को जब मैं लखनऊ में था, वे घूमते हुए मेरे डेरे की ओर आए और फिर लौट गए और फिर उनका निधन उसी दिन हुआ। वे किसी नाई की बच्ची को भी पढ़ाते थे, उसके लिए भी लड़का और शादी के लिए बेचैन, इसके उसके ढेर सारे संस्मरण का जैसे खजाना है गड़ा हुआ मेरे हम लोगों के जो उनके संसर्ग में रहे। उससे मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, उस पिटारे को खोल कर, केवल और केवल यह कि आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर किसी ऊंचे पद को आप हासिल करते हैं तो परोक्ष रूप से कहीं न कहीं वहाँ भी कि
कीर्ति नारायण मंडल अगोचर रूप से उनकी आत्मा विद्यमान है और आपकी उपलब्धि से वे भी जैसे खुश होंगे कि हमने जिस छोटे से बिरुए को लगाया आज इतना पल्लवित पुष्पित और ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आभारी हैं आपके इन प्रेरणादायी वचनों के लिए। और आप तो ज्ञान के अथाह सागर हैं और ख़ास करके कृति बाबू के साथ आपके इतने संस्मरण हैं कि उन्हें एक घंटे के कार्यक्रम में, दो घंटे के कार्यक्रम में समेट पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इतने कम शब्दों में आपने जो अपने सारगर्भित व्याख्यान दिए, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। एक तो व्यक्ति जन्म लेता है, उसके माता पिता, पूरे परिवार, उनके गुरु और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बहुत सारे लोग उनके जीवन में योगदान देते हैं। लेकिन बहुत सारे कम लोग होते हैं जो बड़े पद पर जाने के बाद उसके योगदान को याद रखते हैं। लोग भूल जाते हैं, कहते मैं सेल्फ मेड हूँ, नहीं बोलने लगते हम सब कुछ किए। इसी तरह से कीर्ति बाबू ने तो बहुत लोगों के लिए किया, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोशिश की उनके ऋण को चुकाने का। चुका तो नहीं सकता है, लेकिन प्रयास किया कम से कम। उनमें से आप एक हैं। कम से कम दो रचनाओं के माध्यम से, अपनी दो कृतियों के माध्यम से आपने, कीर्ति बाबू तो अमर है ही, लेकिन इतिहास में और साहित्य में आपने उन्हें अमरता प्रदान की है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जब तक यह दुनिया रहेगी, ये कोसी का इलाका कीर्ति बाबू को नहीं भूलेगा। और जब जब कीर्ति बाबू को याद किया जाएगा तो प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी को भी और आपकी इन पंक्तियों को जरूर याद किया जाएगा। आपकी जब इन पंक्तियों को हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो हमें रामधारी सिंह दिनकर की है वो जो काव्य है छोटा सा बापू, वो उसकी कई पंक्तियां बरबस याद आ रही थी। उस तरह का कि कुछ अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं सर। और मैं आगे भी आपसे अनुरोध करूंगा कि जब कभी भी हमारे कॉलेज में कीर्ति बाबू पर और अन्य भी आयोजन हो तो आप आएँ और हमारे बच्चों का और हमारा भी मार्गदर्शन करें, ऐसी हम सबों की अपेक्षा है और आपसे उम्मीदें भी हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबों को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। संजय जी, धन्यवाद। मंच के संचालक महोदय, हमारे अभिन्न साथी सुधांशु शेखर जी, मंचासीन हमारे अभिभावक के तुल्य प्रोफेसर विनय चौधरी, जिसके उवाच अभी आप लोगों ने सुने। मंचासीन हिंदी साहित्य के अध्यापक सौरभ जी, सभागार में उपस्थित इतिहास विभाग के ही कुमारी प्रीति मैम और अन्य सभी छात्र एवं छात्राएं, आप तमाम की उपस्थिति इस बात की तस्दीक करती है कि आपने इस महाविद्यालय में जो कुछ भी सीखा वह अपनी उपस्थिति से बयां कर रहे हैं कि ऐसे महामना के जन्म जयंती पर आपका उपस्थित होना और धैर्य के साथ हमारी उन बातों को सुनना जो आपके जीवन में निश्चित रूप से मोक्षदायी बनेगा,
आप सफल होंगे, ये मेरी शुभकामना भी है। और ऐसे महामना के जन्म जयंती, हमारे वरिष्ठ सर ने कहा भी है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि उसकी एक पंक्ति थी कि अस्ताचलगामी सूरज जब डूब रहा था तो उसका यही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। एक टिमटिमाती दीपक ने कहा कि हम सभी मिल के रोशन करेंगे, और पूरी रात टिमटिमाती दिए ने सूरज को आश्वस्त किया कि आपके बाद भी रोशनी होगी। तो यहाँ बैठे सभागार में जितने भी युवक हैं, युवतियाँ हैं, सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कोट को याद रखेंगे कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें अंधकार से आपको बचा सकती है, दुनिया को बचा सकती है। तो आज जिस महामना का जन्म जयंती हम मना रहे हैं, कृति नारायण मंडल, उसकी क्या उपलब्धियां रही, हमारे वरिष्ठ अध्यापक ने आपके सामने पेश की। हम सभी बैठे यहां उनके कुटुंबजन हैं, स्वजन हैं, वो हमारे पूर्वज अभिभावक थे। अगर वो नहीं होते इस सीमांचल की क्षेत्र में, कोसी जोन में शिक्षा का प्रकट अभाव हुआ होता, 1953 के वर्ष में जब उन्होंने टीपी कॉलेज की स्थापना की होगी, तो उन्होंने वस्तुतः इस बात का ख्याल रखा होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा को प्राप्त करेगी। और शिक्षा की सार्थकता क्या है, आपने अपने महाविद्यालय के लोगों में देखा होगा, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्त करती है। क्या मुक्ति है विद्या का, कैसे हम इस संसार में उलझते हैं और हमें मुक्ति चाहिए। जिसके पास विद्या नहीं है वह मक्खी के समान है, और जिसके पास विद्या है वह मधुमक्खी के समान है। मधुमक्खी शहद भी देती है और शहद से वह मुक्त भी रहती है, और जो मक्खी होता है वह शहद में उलझ जाती है और अपना जान गवा देती है। तो साविद्या या विमुक्ति का जब मतलब हम समझा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुक्ति जब कोई शिक्षा पूर्ण होता है तो वह व्यक्ति को मुक्त करता है, वह उलझन में नहीं डालता, वह सही रास्ते पर आगे ले जाता है। आप अपनी अपनी जिस कक्षा में होंगे, आप अगर शिक्षा को वस्तुतः समझ रहे होंगे तो आप ये समझ रहे होंगे कि शिक्षा मुक्त करती है, और आपको समझना ही चाहिए। हमारे महामना कृति नारायण मंडल ने इतने महाविद्यालय विद्यालय की स्थापना की, लेकिन वो उसमें उलझे नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। अभी आपने सुना कि टीपी कॉलेज और पार्वती कॉलेज को सजा देने के बाद जहां सैकड़ों फूल खिले आप जैसे, उसके बाद वो राघोपुर निकल गए, वो संत अवध बिहारी के उस उर्वर अनुर्वर भूमि पे गए, वहां भी फूल खिलाने का काम किया, कटिहार चले गए, मनिहारी चले गए, नौगछिया चले गए, न जाने कितनी कितनी दूर तक अनुर्वर भूमि पर उन्होंने फूल खिलाने का काम किया। अगर हम शिक्षा के वस्तुतः समझने वाले लोग हैं तो हम भी गतिशील बनेंगे। सफलता का कोई एक परिभाषा नहीं होता कि आप बीए कर लिए सफल हो गए, नहीं, सफलता कोई निश्चित परिभाषा उसकी नहीं। सफलता की परिभाषा यह हो सकती है कि आप जहां पहुंचते हैं उसके आगे भी कोई दौर है, आप उनके बारे में भी विचार करेंगे, यही शिक्षा की सफलता है। और महामना ने यह बताया कि वो कहीं टिक कर नहीं रहे, एक से एक संस्थाओं के स्थापना में वो लगे रहे। आप भी जैसे बीए करते हैं, फिर एमए की फिक्र करते हैं, फिर पीएचडी की फिक्र करते हैं, कोई सफलता ऐसी है जहां आप गम खा के बैठ जाते हैं कि बस हो गया, ऐसी कोई विराम नहीं है।
और जीवन में विराम हो भी नहीं सकता, जिसके जीवन में विराम हो गया वह किस काम का? गंतव्य के बाद भी गंतव्य है। सफल आदमी हर हमेशा आगे की तरफ कूच करता है। अपनी महामाना से प्रेरणा हमें यही मिलती है कि हम भी अपने जीवन में आगे की गति तय करते रहें। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहते हैं ना कि जब रमता जोगी है बहता पानी, जब जल आगे की तरफ नदी नाले में बहता रहता है तो वो सड़ता नहीं है, लेकिन जब कहीं वो एक जगह स्थिर हो गया, अस्थिर हो गया, तो उसमें शरावट आती है, उसमें दुर्गंध आती है। तो हम आप सभी जो सभागार में बैठे हैं, शिक्षा मना है और अपने पूर्वजों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि आप अपनी गति में बने रहेंगे, जीवन में विराम का कोई मतलब नहीं। तो जीवन क्या है? एक निर्झर है, वह आगे की तरफ बढ़ने को हमें प्रेरित करता है। हम सभी बढ़ते रहेंगे तभी इसकी सार्थकता होगी। और मनोबल तो हमारा इतना ऊंचा होना चाहिए, जैसा हमारे बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा, एक शेर हमें मुझे याद आ रही है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर मुस्तैदी से उछालो तो यारो। अगर हमारे दिलों में जज्बात है, मंजिलों को चूम लेने की इच्छा शक्ति है, तो कोई ऐसी दुर्गम परिस्थिति नहीं है जो हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। सिर्फ इच्छा शक्ति और हमारा संकल्प हमें आगे बढ़ाती है। हमारे महापना पूर्वज कृति नारायण मंडल की भी इच्छा शक्ति ही थी, संकल्प सिद्धि ही थी कि जिस परिसर में आज हम बैठे हैं उनकी कल्पना जमी पर उतर सकी। अगर इच्छा शक्ति नहीं होती संभव नहीं था। आपकी इच्छा शक्ति ही है, मैं आपके इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प ही है कि जब 4 बज रहे हैं तब भी आप यहां मौजूद हैं। आपको थोड़ा भी शिकन नहीं है कि और भी कोई काम है, घर वाले क्या कहते होंगे, कहां लड़का है। आपकी इच्छा शक्ति से आप यहां मौजूद हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन प्रेरणादायी वचनों के लिए। हम आपके आभारी हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए हमको और कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ तक जाना चाहिए जिसके आगे कोई राह नहीं है, उससे भी आगे हमको बढ़ना चाहिए। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे प्रधानाचार्य महोदय चंद मिनटों में आने वाले हैं, तो उनके पहले मैं अपने महाविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार सौरभ जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। कुमार सौरभ जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर सुधांशु सर, इतिहास विभाग के डॉक्टर संजय सर और डॉक्टर प्रीति मैम, और प्रिय विद्यार्थियों, कीर्ति बाबू के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि विनय सर ने बहुत अच्छे से उनके जीवन के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और उस जानकारी में जो चीजें थी वो आपके सोचने विचारने के लिए है।
मैं उस तरफ थोड़ा सा इशारा करके अपनी बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूं। आप कल्पना करिए 1952-53 में जब ये कॉलेज बना है उस समय के मधेपुरा की, कि उस समय लोग चिंता कर रहे थे कि एक कॉलेज हो तो एक कॉलेज क्यों हो। ये सवाल आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि एक कॉलेज की स्थापना की चिंता क्यों थी। कोई आप में से बोलना चाहेगा कि मधेपुरा का नागरिक समाज 52-53 में, 1947 में हमें आजादी मिली, उसके 5-6 साल के बाद में, मतलब कुछ सहरसा में कॉलेज था और एक कॉलेज की चिंता हो रही थी कि मधेपुरा में भी हो, ये चिंता क्यों हो रही होगी? कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप लोग? कोई भी बोलिए, बेहिचक होके बोलिए, आप लोगों के तरफ से भी कुछ बोला जाए तो अच्छा। ठीक है, साक्षरता के लिए। और कोई बोलिए खुल के। ये इसलिए पूछ रहा हूं कि ये सोचना जरूरी है। साक्षरता के लिए जो आपने जवाब दिया गलत नहीं है, लेकिन साक्षरता क्या है? आपको अक्षर ज्ञान हो गया तो आप साक्षर हो गए, उसके लिए तो प्राथमिक विद्यालय भी काफी है। प्राथमिक विद्यालय है, फिर हाई स्कूल है, और फिर उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता था। मेरे ख्याल से उस समय भागलपुर में कॉलेज होगा सर, भागलपुर जाना पड़ता था, या सहरसा में कॉलेज खुल गया तो मधेपुरा के लोग अधिक से अधिक सहरसा जाएंगे। तब भी ये दूरी 25-30 किलोमीटर की तो है, और मधेपुरा के ग्रामीण इलाकों के लिए वो दूरी और भी ज़्यादा होगी। तो उच्च शिक्षा चाहने वाले विद्यार्थियों को कहीं और नहीं जाना पड़े, भटकना ना पड़े, उनको अपने ज़िले में शिक्षा मिल जाए। उस समय मधेपुरा जिला भी नहीं होगा, मतलब इस इलाके में उनको शिक्षा मिल जाए। इस इच्छा के साथ कॉलेज की स्थापना की चिंता लोग कर रहे थे, और उसके लिए कीर्ति बाबू ने जो कई बीघा जमीन दान में दिया, जो अभी बात हो रही थी, और उनके परिवार के बारे में जितनी जानकारी मिलती है वो ये कि वो लोग आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुनने में आता है। तो अगर आज मधेपुरा के भीतर या आसपास 52 बीघा जमीन किसी के पास हो तो वो सिर्फ उसी से बहुत धनाढ्य हो सकता था ना। तो ये जमीनें क्यों दी गई? इस चिंता में कि उच्च शिक्षा के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, हम अपनी जमीन पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर सके। और आज कॉलेज की स्थापना को 70 साल से अधिक का समय हो गया, 71-72 साल, और आप आज के मधेपुरा में हैं। तो फिर आपसे सवाल है कि आज के मधेपुरा का जो नागरिक समाज है वो इस कॉलेज से क्या आकांक्षा रखता है, क्या चाहता है इस कॉलेज से, यहाँ के अब तो यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, आप लोगों का क्या अंदाजा? शिक्षा चाहता है, और कुछ? मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 साल से ज़्यादा हुआ है, मैं जो कहने जा रहा हूँ कि मधेपुरा का नागरिक समाज की अभी की आकांक्षा क्या है, तो थोड़ा आपको दुखद लगेगा, लेकिन आप सब इस बात को मानेंगे कि सच्चाई यही है। वो आकांक्षा ये है कि यहाँ से डिग्री हासिल की जाए, अधिक से अधिक नंबर हासिल हो, शिक्षा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच है या नहीं? तो जिस व्यक्ति को आप लोग याद कर रहे हैं, आप ये समझिए कि उनके प्रति कितनी बड़ी कृतज्ञता है कि उन्हीं के संसाधनों का उपयोग करके
हम लोग इन संस्थानों को डिग्री वितरण का केंद्र बनाकर रखना चाह रहे हैं। कक्षाएं खाली रहती हैं, तो आप ये समझिए कि कक्षाएं ना होती इससे अच्छा, कक्षाएं हैं लेकिन खाली हैं। परीक्षाएं होती हैं आपकी, आंतरिक परीक्षा। दुख होता है कि पता चलता है किसी लड़की की जगह पे कोई लड़का आके परीक्षा देने बैठा हुआ, उससे जब पूछते हैं कि भाई देने दीजिए, मैनेज कर न लीजिए सर, अभी नहीं आ पाएंगे, अभी यहां पे रह रहे हैं सर, मैनेज कर लीजिए। ये जो भाषा है कि शिक्षा को मैनेज करने का विषय आपने बना दिया है, तो ये तो मुझे लगता है कि जिनको हम याद करने के लिए यहां बैठे हैं उनके प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता, इतना बड़ा पाखंड। और इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कोई है तो ये मधेपुरा का नागरिक समाज। मैं आप लोगों को भी नहीं मानता हूं, आप लोग अभी नवयुवा हैं, लेकिन नवयुवा सोचना शुरू करता है और नवयुवा चीजों को बदलने के लिए काम करता है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आप इन चीजों को बदलने के लिए प्रयास करें। आप ये प्रयास ना करें कि मुझे अधिक से अधिक अंक पैरवी से मिल जाए, आप इन जिज्ञासाओं के साथ कॉलेज आए कि मैं इस विषय को जानना चाहता हूं। आपके यहां विषय विशेषज्ञ हैं, अच्छी अच्छी जगहों से पढ़कर आए हुए लोग हैं, लेकिन वो भी बर्बाद हो रहे हैं, कोई पढ़ने लिखने का माहौल नहीं। उसको बना कौन सकता है? आप और हम मिलकर बना सकते हैं। तो अगर विचारार्थ हम बैठे हैं तो सार्थकता तब है जब हम कुछ ऐसा सोचे जिससे बेहतर की तरफ बढ़े। यहाँ पे जो ये एक मानसिकता पैदा हो गई है कि ये सब ऐसी जगह है जहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, बीएड की डिग्री यहाँ से मिल जाएगी और फिर कुछ कर लेंगे। एक तो बेरोजगारी, सरकारी नौकरी इतनी कम है कि वो डिग्री बहुत फायदा आपको नहीं देने जा रहा, लेकिन अगर आप कुछ हासिल करते हैं, कुछ ज्ञान, कुछ कौशल, तो ना कुछ तो कम से कम ट्यूशन तो कर सकते हैं, कुछ और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन उस दिशा में यहाँ जागरूकता बहुत कम दिखती है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज के दिन कम से कम उतने लोग जो यहाँ पर हैं, इस विचार के साथ जाइए कि इस मधेपुरा में शैक्षणिक माहौल जो है वो विकसित हो, जो संसाधन यहाँ पर समर्पित है शिक्षा के लिए, उस संसाधन का उपयोग शिक्षा के लिए। और ये आप लोग चाहेंगे तो सुनिश्चित होगा, आप कक्षा में आएंगे, कक्षाओं में सुविधा बढ़ेगी। जब आप कक्षाओं में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पंखा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, डेस्क पर धूल क्यों जमी हुई है, आपके नहीं होने की वजह से वो है। उसका जिम्मेदार अगर आप कहेंगे कि प्रबंधन है, तो मैं इससे असहमत हूं, क्योंकि आप नहीं आते हैं इसलिए किसी को नहीं पता है कि यहाँ क्या दिक्कत। आप आएंगे, आप बताएंगे, आप जब लाइब्रेरी जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ आपकी ज़रूरत की किताब है कि नहीं है, लेकिन आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं। कितने लोग जाते हैं लाइब्रेरी? तो कभी लाइब्रेरी की असुविधाओं के बारे में आपने बताया प्रिंसिपल साहब को? जाइए, बैठने की सुविधा है कि नहीं है? जब आप एकत्रित होकर इन बातों को रखेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा। लाइब्रेरी है, जगह है, कक्षाएं हैं, लेकिन उपयोग उसका न्यूनतम हो रहा है। तो इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करिए। और ये जो पैरवी वाली मानसिकता है, जब तक उसके खिलाफ नहीं जाएंगे कि इनसे कहलवा देना, इनसे कहलवा देना, नहीं कोई तो किसी कर्मचारी से आप मिलकर के आप पैरवी कर रहे हैं, ये रोल नंबर का नहीं देख लिया, ये रोल नंबर का नहीं देख लिया वाला मानसिकता से निकल कर एहिमे आबे के जरूरी है कि हमरा देखल जाए, मतलब जे स्टूडेंट छे तकरा देखल जाए, तकर निर्माण। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप लोग जो व्यवस्था में ये दिक्कतें हैं, और दिक्कतें नहीं बल्कि यही अब व्यवस्था है। एक होता है ना कि शिक्षा का पूरा क्रम चल रहा है, उसमें कुछ एक चीजें ऐसी है, शिक्षा का पूरा क्रम लगभग ठप है और यही चीजें हो रही है।
और ये शहर को खोखला करेगा, पीढ़ियों को खोखला करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर डिग्री लेकर के यहाँ से चले गए, कुछ हासिल नहीं किया, तो आप खोखले होकर के निकले, आपसे समाज को कुछ मिल नहीं सकता, जबकि आप समाज के कई चीजों का उपयोग कर रहे हैं। जब आप सड़क पे चलते हैं उस पे आपका सिर्फ पैसा नहीं लगा। इस कॉलेज में आप जैसे लड़कियां कितनी कम फीस दे करके यहां पढ़ती हैं ना, वो पैसा कौन चुका रहा? यहां पढ़ाने वालों को तो तनख्वाह मिल रही है, कौन चुका रहा बताइए? सरकार चुका रही है, और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? लोगों से, समाज से। तो जिसका उपयोग करके हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जिनके पैसों का उपयोग करके, उनको हम क्या लौटा पा रहे हैं, इस बारे में सोचना चाहिए कि जिनके पैसों से सड़कें हैं, जिनके पैसों से आप रिबेट पे रेलगाड़ी में चढ़ रहे हैं, 10 रुपये में आप यहां से सहरसा चले जाएंगे, तो ये सारी सुविधाएं जो हम भोग रहे हैं, वो जिनका पैसा है वो समाज है। समाज मतलब एक कलेक्टिव जो आपको दिख रहा है, उसको हम क्या योगदान दे रहे हैं? जब इस सब चीजों के बारे में आप सोचेंगे, या कीर्ति बाबू ने जो आपको दिया और आप उनके संसाधनों का उपयोग करके आज पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से निकलकर आप उनके योगदान में क्या वृद्धि करने जा रहे हैं? इस तरह से सोचने का तरीका अगर आप डेवलप करेंगे, तो आप खुद उन चीजों से घृणा करेंगे जो अभी आज के समय में हमारे यहाँ चल रहा है। ये इस तरह से कैसे हो रहा है? सिर्फ परीक्षा केंद्रित व्यवस्था कैसे हो गई? परीक्षा हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, पैर भी चल रही है, मतलब दुखद सच है, लेकिन उससे सामना होता है। तो मैं ये शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि आप सभी नवयुवा हैं, ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि संकल्प लेंगे कि इसका हिस्सा नहीं बनना। और अगर ऐसा हुआ, मैं तो चाहूंगा कि ऐसा हो, कि अगर आपने छोड़े, आपको लगेगा कि सब अगर ऐसे हैं तो मैं क्या बेवकूफ हूं, लेकिन कई बार बेवकूफ लोग ही समाज को बचाते हैं। अगर हर आदमी बहुत चालाक, बहुत शातिर हो जाए, तो इस समाज का क्या होगा कहना? अगर ये भी शातिर होते तो क्यों अपना 52 बीघा दे करके कहीं और चले जाते? क्यों इन्होंने अपने बच्चों को कॉलेज में नहीं आने दिया? कोई है ऐसा आपको दिखता है आज के समय में? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो आश्रित हैं, उसके निकट के लोग हैं, उनको लाभ दें। वही लाभ देने की संस्कृति आपको हर तरफ यहाँ दिखाई देगी। अगर ये इनके मन में होता तो आज ये कॉलेज आपके पास नहीं होता। तो अच्छी चीजों का सृजन त्याग से होता है, अच्छी चीजों का सृजन आपके नैतिक विचारों से होता है। कि जब आपको लगे कि हर कोई अनैतिक है, तो जब आप नैतिक होने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, आपको हानि होगी, दूसरा आपके सामने लाभ उठाएगा, आपको हानि हो रही होगी, लेकिन ये हानि उठाना बड़े अर्थों में फायदेमंद है। अगर आज ठाकुर प्रसाद, उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि वो तैयार नहीं थे, लेकिन इस कॉलेज ने उनका नाम अमर कर दिया, इसलिए क्योंकि उनके पुत्र ने, जो कि उनके बाद उन्हीं के जमीन उन्हीं का होना था, त्याग करके अपने पिता का नाम अमर कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको साधारण सोच के साथ नहीं समझा जा सकता है, लेकिन आवश्यकता है। खास तौर पर हमारे ये जो कोसी का अंचल है, जो अभावों से ग्रस्त है, जिसमें लोग पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए बाहर, अगर इसको बचा कर रखना चाहते हैं कि पलायन ना करना पड़े, तो हमारे पास सारा सेटअप मौजूद है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बस उसको बेहतर फंक्शन की ज़रूरत है। वो बेहतर फंक्शन कराने की तरफ काम करिए, किसी दूसरे तीसरे विचारों में मत फंसिए। ये करवा लेना है, इस परीक्षा इस तरह से मैनेज करवा लेना है, क्लास ना हो तो भी क्या है, इस विचार से बाहर निकलिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकलेंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना है।
तो कीर्ति बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप सबसे एक उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का जो दिन है वो हम सबों को एक संकल्प लेने का भी दिन है कि कीर्ति बाबू ने जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस महाविद्यालय की स्थापना की है, हम सबों की ये जिम्मेवारी है कि हम उस सपने को पूरा करने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं, जितना ही संभव हो सके। हम जिस जगह पर हैं वहाँ अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे तो निश्चित रूप से उनका जो बड़ा सपना है वह सपना पूरा हो सकेगा। और उसमें हम शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है और आपकी भी बड़ी भूमिका है, आप विद्यार्थियों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम ही लोगों के कंधे पर कीर्ति बाबू की यह विरासत है। और जो पूरा जो वक्तव्य था हमारे मुख्य अतिथि महोदय का भी, सौरभ जी का भी, संजय भाई का भी, उस सब में आपने देखा कि कीर्ति बाबू के त्याग, उनके समर्पण, इसकी उन लोगों ने बात की। और जो सर ने आपको पंक्ति भी सुनाई थी दधीची की हड्डी की, नाटक की, कि जिसने है अर्पित कर दी जनहित में बोटी बोटी, रखी नहीं बचाकर भी अपने भविष्य की रोटी, अपना बोटी बोटी उन्होंने जनहित में अर्पित कर दिया। तब हम लोग का ये काम नहीं होना चाहिए कि उस बोटी को हम लोग अब फिर नोचते रहें, वही नोच रहे हम लोग, उन्हीं की विरासत है ये। अगर आज कॉलेज है, अगर आज हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं तो उन्हीं का देन है। अगर उन्होंने ये कॉलेज नहीं खोला होता तो लाख हम नेट कर लेते, पीएचडी कर लेते कि कुछ भी कर लेते, हम नहीं बन पाते। या आज आप लोग एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने ये खोला कॉलेज। नहीं तो आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो भागलपुर में रह करके पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, पटना में रह करके पढ़ने में सक्षम नहीं है, यहाँ नज़दीक में है तो आसानी से आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये काम नहीं होना चाहिए कि हम उनके बोटी को नोच नोच के खाते रहें, 75 साल से हम लोग खा रहे हैं। बल्कि वो फिर लास्ट लाइन जो सर ने लिखी है कि रखी नहीं बचाकर भी अपने भविष्य की रोटी, कीर्ति बाबू ने अपना भविष्य, उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचा कर रखा, लेकिन उनका जो 72 परिवार है जिसमें हम सभी शामिल हैं, पूरा कोसी का इलाका, पूरा बिहार, एक तरह से कहिए पूरा देश शामिल हो जाता है उसमें, उसका भविष्य कम से कम बेहतर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और अब तो अच्छा, एक दो चीज़ हम खाली जानना चाहते हैं कि आप लोग, सब लोग सहरसा गए होंगे मैक्सिमम लोग, तो हम तो बहुत कम ही बार गए हैं, 2-3 बार गए हैं रेलवे स्टेशन, तो आप लोग सब रेलवे स्टेशन भी गए होंगे, तो वो कौन ट्रेन छे, वो जनहित कौन है, वो जाए छे उधर, उस पर कभी देखे हैं उस पर कैसे लोग बैठता है? एक बार हम बहुत दिन पहले गए थे, 10-15 साल पहले, तो हमको तो आश्चर्य लग रहा था, वो नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ आदमी ही दिखता था, ट्रेन दिखता ही नहीं था, इस तरह से देखे हैं कभी? तो वो सर जो बात करते पलायन के लिए, दो चीज़ के लिए, एक तो शिक्षा के लिए, यहाँ से बड़े पैमाने पर कोसी सीमांचल से पलायन होता है, दूसरा मजदूरी के लिए यानी कि रोजगार के लिए। नहीं तो ये इनका जो ये योगदान हुआ, पार्वती कॉलेज, टीपी कॉलेज, देखिए दोनों चीज़ में ये सहयोग कर रहे हैं, एक तो शिक्षा का भी आपको अवसर दे रहे हैं, जब आप शिक्षित हो जाएगा, जिस कौशल विकास की बात कर रहे थे सर, तो कौशल आप में आएगा, शिक्षा आप में आएगी, फिर आपको रोजगार भी मिलेगा। तो देखिए वो कितना बड़ा काम उन्होंने किया है, वो जनहित कौन एक्सप्रेस है, वो एक्सप्रेस रुकेगी उन्हीं के प्रयास से, कीर्ति बाबू के प्रयास से आ गए हैं, ठीक है। और दूसरा, आप सर भी आ गए हैं, और एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आप लोग, अब लाइब्रेरी गए कितने लोग हम नहीं जानते हैं, और लाइब्रेरी देखे हैं कितने लोग आप लोग, लाइब्रेरी है कॉलेज में, इतना लोग देखे हैं, लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो बाहर से ही देखे होंगे, अंदर तो नहीं गए, अंदर चले गए हैं। अच्छा, दुख की बात है कि हम लोग भी बहुत कम बार गए हैं, ये हमको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हम भी लगता है अभी 7-8 साल में 2-4 बार ही गए होंगे, ये दुखद। नहीं तो सर से अलग से मिलिएगा, प्रिंसिपल साहब से, तो कॉलेज का मतलब वही होता है कि जहाँ लाइब्रेरी हो, जहाँ क्लास चले, इस तरह का व्याख्यान हो, तभी उसका कोई मतलब है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी तरफ हमारे सर इशारा कर रहे थे, थोड़ा बड़ा व्यापक विमर्श का विषय है, लेकिन उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उस प्रयास, शिक्षक और विद्यार्थी यही दो शुरू करेंगे तभी ये संभव भी है,
दूसरे से होगा नहीं वो काम। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मैं तो सिर्फ गैप फिल कर रहा था, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है समय को, तो हमारे सर आ गए हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय गुड्डू सर भी आ गए हैं, तो गुड्डू सर से धन्यवाद हम दिलवाएंगे। अक्सर हमारा ये परमानेंट धन्यवाद ज्ञापन करता है, और सर तो परमानेंट अध्यक्ष हैं ही प्रिंसिपल के रूप में। तो मैं बिना समय गंवाए अपने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ। काफ़ी व्यस्तताओं के बावजूद आज का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। कैलाश बाबू, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास में आयोजित महामना कीर्ति नारायण मंडल के जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित मंचासीन मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, मंचासीन डॉक्टर संजय कुमार जी, मंचासीन सौरभ जी, मंचासीन गुड्डू कुमार एवं आयोजक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, सभागार में उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, निश्चित रूप से हम आज जिनकी जयंती मना रहे हैं, निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने में वर्षों पहले इन्होंने प्रयास किया था। आज उन्हीं के प्रयास का फल है कि आज हम घर बैठे आईए बीए एमए पीएचडी सब चीज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विनय बाबू ने आपको विस्तार पूर्वक कीर्ति नारायण मंडल के योगदान को समाज में किस प्रकार से फैलाया गया, किस प्रकार से उन्होंने सारा समय अपना समाज के लिए समर्पित कर दिए, यह बातें आपको विनय बाबू के द्वारा बताई गई। मैं भी एक ही साथ, हम लोग पहले तो ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय खुली थी, खुलने का भी एक इतिहास था कि खुलने के कर्म में यहाँ तो बड़े बड़े नेता थे, जमींदार थे, जिसमें भूपेंद्र नारायण मंडल भी थे जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है, शिवनंदन प्रसाद मंडल भी थे जो यहाँ के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे पहली बैठक में, और बड़े बड़े समाज के बुद्धिजीवी एकत्रित हुए, और उनके द्वारा यह एहसास किया गया कि क्यों न मधेपुरा में भी एक महाविद्यालय खोला जाए, और जिससे हमारे बच्चे यहाँ रह करके, क्योंकि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं समाज का, ये स्थिति नहीं था आज से 40-50 साल पहले। 40-50 साल पहले बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, दाने दाने के लिए लोग को मोहताज होते थे, भरपेट अनाज दोनों शाम का नहीं मिलता था। सरकार बीच बीच में सहयोग के रूप में कोटा के द्वारा निर्धारित किया जाता था, जिसमें सभी आदमी जा करके चावल गेहूं लेते थे। हमारी भूमि उपजाऊ नहीं थी, हमारी भूमि कोसी के दबाव में या कोसी के कारण कट फट जाता था, कभी इधर बाढ़ की विभीषिका आती थी, कभी उधर कभी उधर। इस परिस्थिति में बच्चों, गार्जियन के लिए बच्चों का पढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। इससे 2 साल पहले एमएलटी कॉलेज सहरसा खुली थी, लेकिन वहाँ भी जाने में बच्चों को बहुत कठिनाई होती थी। तो ये हमारे, मैं जिनका आज अभी नाम लिया, भूपेंद्र बहू, शिवनंदन बहू, कृति बहू, ये लोग मिल करके एक महाविद्यालय की स्थापना के लिए इन्होंने प्रयास किया। निश्चित रूप से हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि जब समाज शिक्षित होगा तभी वह अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए लड़ेगा, जब वह शिक्षा नहीं होगी, अपने अधिकार को वह नहीं समझेगा, तो कहीं पर वह खड़ा नहीं हो सकता है। खड़े होने के लिए उसे शिक्षित होना आवश्यक है, और आज जैसा कि हमारे विनय बाबू ने बहुत सारे अलंकारों से उनको अलंकृत किया,
निश्चित रूप से उस अलंकार के वे लायक थे, क्योंकि जब उनका देहावसान हुआ था तो मैं भी साथ में था। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से अधिकृत किया गया था कि इनको लेकर के जाइए और इलाज कराइए, और जीरो माइल बेगूसराय में उनका देहांत हो गया और वहाँ से हम लोग उनको लेकर के लौट आए। जब लौट करके आए तो बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी कि ये 30-35-37 कॉलेज के ये संस्थापक रहे हैं, निश्चित रूप से इनके तिजोरी में लाखों करोड़ों रुपया बैलेंस रहा होगा। मैं गवाह हूँ, उनके पुत्र के द्वारा जब तिजोरी को खोला गया तो उसमें 8-10 पासबुक जरूर मिले, लेकिन किसी पासबुक में 500 रुपया से अधिक की राशि नहीं थी। तब उनके पुत्र को भी निराशा लगी कि लगता था कि कुछ मिलेगा, लेकिन मैं गवाह हूं कि किसी में 500-300-400 रुपया था। आजकल जो संस्थापक कॉलेज महाविद्यालय या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं, आज वे करोड़ में खेलते हैं। उनका शान शौकत रहन सहन, एक झोपड़ी में संतवत बिहारी के सामने रहते थे वो, एक मचान पर एक चौकी पर कंबल एक बिछा देते थे, एक ओढ़ लेते थे। कभी उन्होंने शान शौकत की जिंदगी नहीं बिताए, बिता सकते थे वो, जमींदार थे, उनको बांट करके 100 एकड़ जमीन हुआ था, सब भाई में बांट करके भी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को जमीन दे करके शेष जमीन को धीरे 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 सभी कॉलेज में बांट दिए। 10 बीघा इसको, 5 बीघा इसको, 10 बीघा उसको, किनको? अपने पुत्र को दे देने के बाद पुत्र को 40 बीघा जमीन, 45 बीघा जमीन दे दिए और शेष जमीन अपने पास रख लिए और सब कॉलेज में दान दे गए। लेकिन आज थोड़ी कसक है, थोड़ी दुख होती है कि जिस उद्देश्य से कॉलेज को उन्होंने खड़ा किया था, उस कॉलेज के जो सचिव हैं, जो प्रिंसिपल हैं, आज उनके नाम का शोषण कर रहा है। जो गरीब के लिए, जो पिछड़े बच्चों के लिए उन्होंने इस प्रकार की संस्था को खड़ा किए थे, उसका रूप व्यवसायिक हो गया। अब फिर भी चलिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच्चे शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं, चाहे उसका रूप जो भी लिया हो। आज तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, फिर अगली बातें हम लोग करेंगे। मैं भी उन परिवार से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बहुत सारी खट्टी मीठी यादें मुझे, मैं जानता हूं। फिर कभी शेयर करेंगे हम लोग, काफ़ी समय आपको हो गया है, मैं भी काफ़ी व्यस्त था। परीक्षा सिपाही भर्ती बोर्ड की चल रही थी, वहां भी विवाद, पटना से एक टेलीफोन आ गया, फिर वहां भी डील करना, जहां मैं नहीं जाता हूं वहां पर विवाद खड़ा हो जाता है। फिर यहां भी अध्यक्ष से उद्बोधन के लिए मुझे आना था, मैं विलम्ब हुआ थोड़ा, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आभारी हैं आपके कि आपने इतना अच्छा आयोजन आज हम सबों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा आयोजन किया, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद। और निश्चित रूप से हम सबों की यह जिम्मेवारी है कि हम अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाएं, और कीर्ति बाबू के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हम उनके सपनों को साकार करने में अपना योगदान दें। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका ऋण तो हम लोग चुका नहीं सकते हैं, लेकिन उस दिशा में हम लोग जरूर प्रयास करें कि कुछ न कुछ हम भी समाज को रिटर्न करें, समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग कुछ प्रकाशन भी कीर्ति बाबू को लेकर के हम लोग करेंगे, प्रधानाचार्य महोदय से बातचीत करके, ताकि हम अपने बच्चों के बीच कीर्ति बाबू के जीवन, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ठोस बातें हम अपने बच्चों को बता सकें। हमने प्रोस्पेक्टस में भी एक बार उनका संक्षिप्त जीवन प्रकाशित किया था, शायद आप लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़े होंगे। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि प्रधानाचार्य महोदय से
आदेश प्राप्त करके हम एक फोल्डर जरूर इस कॉलेज में हम लोग रखेंगे और अपने सभी बच्चों को, जो भी हमारे बच्चे इसमें नामांकित होंगे, उन्हें हम कीर्ति बाबू के बारे में एक संक्षिप्त उनका जीवन परिचय हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे विश्वास है प्रधानाचार्य महोदय के साथ मिलकर हम लोग ये काम आगे करेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने छोटे भाई और गणित विभाग के विभागाध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे NCC के जो पदाधिकारी हैं लेफ्टिनेंट गुड्डू जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आएँ और विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। गुड्डू जी, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहला धन्यवाद ज्ञापन तो इन्हीं को होना चाहिए जिनके कारण से हम लोग आज बैठे हुए हैं। और इनकी देन सिर्फ टिप्पी कॉलेज और पर्वती कॉलेज तो है ही, इसके अलावा क्या क्या है इनके कारण से आप देख लीजिए। मधेपुरा तो इतना, इसमें कोई दो मत नहीं है, थोड़ा पीछा है ही, थोड़ा पीछे हैं हम लोग। यदि इन्होंने ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय का स्थापना नहीं किया होता तो क्या क्या नहीं होता। आपका विश्वविद्यालय का जन्म यहीं से हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। ये पता है विश्वविद्यालय बहुत दिनों तक इसी कैंपस में चला है और विश्वविद्यालय के कारण, विश्वविद्यालय के ही जमीन में आपका मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है। एग्री करते हो? विश्वविद्यालय आपका सहरसा चला गया होता तो, यदि कॉलेज नहीं होता, विश्वविद्यालय नहीं होता, मेडिकल कॉलेज नहीं होता और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता, तो आप समझ सकते हो मधेपुरा और कितने सालों पीछे रहता। ये चारों पांच चीज आने से मधेपुरा का तो खैर बहुत ज्यादा विकास हुआ, नहीं तो आपको भी काफी दूर जाना पड़ता। पहले BN मंडल यूनिवर्सिटी 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था, किशनगंज, अररिया, कटिहार, वहां से बच्चे आते थे। मधेपुरा में है विश्वविद्यालय तो आपको कितनी सुविधा हो रही है। तो सबसे पहले तो इन्होंने केवल महाविद्यालय का स्थापना नहीं किया, महाविद्यालय के साथ साथ मधेपुरे का ही विकास हुआ है। एग्री करते हैं? तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विनय सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपना इतिहास जानना होगा। हम लोग, हम तो खैर यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, या आप लोग भी नए हो, पता नहीं होता कि कौन थे कीर्ति बाबू, कैसे स्थापना हुआ। क्योंकि जब तक आप इतिहास को नहीं जानोगे, आप अभी बस देख रहे हो कि आते हैं कॉलेज में, क्लास नहीं चलता, कुछ निगेटिव चीजें बहुत सारा दिमाग में भी आता होगा। तो यदि आप इतिहास जानोगे तो आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करने का ये मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी बात की तो मैं विनय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आपके कारण बहुत सारा इतिहास की बातें जानने को मौका मिलता है। बहुत बार आज तो मैं परीक्षा के कारण बहुत नहीं सुन पाया, लेकिन आपसे हमारा मतलब हम मिलते रहते हैं आपसे सर, तो आपके सानिध्य में हमको कुछ सीखने को मिलता है। यस सर, और एक चीज और आपको सीखने के लिए है कि इसी ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की देन है आपके कैलाश प्रसाद सर, प्रिंसिपल सर, जो अभी आपके वर्तमान प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इनका स्टूडेंट लाइफ यहीं से गुजरा है, तो हम उम्मीद करते हैं आप में से भी कोई इनके जैसा या इनसे भी ऊपर निकलोगे, तो आप इतिहास जानोगे तो ये आपको फायदा करेगा। कि आप अभी स्टूडेंट हो, आपको कल्पना भी नहीं होगा कि आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद आप टीपी कॉलेज के प्रिंसिपल या BN मंडल के आप कुलपति बन जाओ। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बनोगे। बहुत सारे लोग यहाँ के स्टूडेंट रहते, जैसे पिछले कुलपति RKP रमन सर यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, कुलपति भी रहे। तो हम उम्मीद करते हैं आप में से भी कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और ये पोस्ट को हासिल करेंगे। और सबसे अंत में मैं आपको, सबसे अंत मतलब सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे एक आवाज़ पे हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और अंत में मैं, जिन लोगों ने कीर्ति बाबू को सहयोग किया उस जमाने में, उनके प्रति भी हम आभारी हैं। और जो उनको कष्ट पहुंचाए थे, जो लोग, उनको भी धन्यवाद देते हैं। थोड़ा कष्ट नहीं पहुंचाए रहते तो वो और इतना ज़्यादा काम वो नहीं करते। बहुत लोगों ने, मैंने जब इतिहास में जानना चाहा बहुत लोगों से, कई लोगों ने उन्हें कष्ट भी पहुंचाया। जितना वो कष्ट पहुंचाते थे उनको, वो नया कोई सृजन वो फिर
जैसे सर ने लिखा भी है, नया फूल कहीं खिलाने लग जाते थे। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कीर्ति बाबू को उस यात्रा में, शैक्षणिक यात्रा में, मधेपुरा कोसी के परिवर्तन की यात्रा में सहयोग किया, और जिन्होंने उनको असहयोग किया, जो भी उनके साथ रहे उन सबों के प्रति हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और रोहित जी से अनुरोध करते हैं कि एक जियो टैग फोटो और एक ग्रुप फोटो भी, 2 मिनट समय लेंगे, इतना समय आप लोगों ने दिया है तो 2 मिनट समय और नहीं ना, बहुत दिक्कत होगा, समय नहीं है, यहीं पर करवा दीजिए तो फिर भाग जाएगा सब बच्चा सब, एक भी नहीं रुकने वाला है, ये लोग बहुत मुश्किल से रुका है।